हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कितनी हाइट वाला बंदा बुलेट चला सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ बुलेट की बात करेंगे, क्लासिक वगैरह की नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट के अंदर पूछा है कि आप बताएं कि हमारी हाइट 5'2" है, क्या हम बुलेट चला सकते हैं? 5'5" है, 5'6" है, क्या हम बुलेट चला सकते हैं? तो सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड हाइट बताता हूँ कि उस हाइट का बंदा बुलेट आराम से चला सकता है। मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुलेट 350 है ये। तो बुलेट जो है वो 5'7" जो इंडिया की लगभग स्टैंडर्ड हाइट बन चुकी है, अगर एवरेज निकालें तो 5'7" हाइट इंडिया की स्टैंडर्ड हाइट हम कह सकते हैं। तो जो 5'7" हाइट का बंदा है वो आराम से बुलेट को ड्राइव कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी, उसके पैर भी नीचे लगेंगे, ट्रैफिक में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या 5'2", 5'6", 5'5" हाइट का बंदा बुलेट चला सकता है? तो उसका आंसर भी यस ही है, आराम से चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 5'7" या 5'5" कितनी भी हाइट का बंदा हो वो बुलेट ड्राइव कर सकता है। मिनिमम हाइट आपको 5 फुट तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आपको बुलेट ड्राइव करना है, अगर मैं एक बात में बात को ख़त्म करूं तो 5 फुट हाइट मिनिमम आपकी होनी चाहिए अगर आपको बुलेट चलानी है तो, ठीक है। उसके लिए आप बुलेट की जो है वो हाइट कम कर सकते हैं, 5'7" से नीचे अगर आपकी हाइट है। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा जो आप बाइक के साथ कर सकते हैं जिससे आप इजीली बाइक को ड्राइव कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, आप क्या इसकी सीट चेंज करवा सकते हैं। जो इस बाइक के अंदर आपको अब सीट दिख रही है, इस सीट की हाइट आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी है, तो इसमें महाराजा सीट आती है, ठीक है। वो सीट आप पतले वाली सीट आपने देखी होगी, बिल्कुल पतली सीट होती है, उसकी इतनी सी हाइट होती है, इससे लगभग 2 इंच के करीब हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो महाराजा सीट जो मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर मार्केट आपको मिल जाएगी, वो आप इसके अंदर इंस्टॉल करवाएंगे तो 2 इंच बाइक की हाइट वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो 5'5" का बंदा सीट सिर्फ मॉडिफाई करा के इसको आराम से चला सकता है, ठीक है। 5'6" का बंदा भी बगैर किसी मॉडिफिकेशन के इसको चला सकता है, उसको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 5'5" की हाइट के बंदे को थोड़ी सी इसकी सीट जो है वो नीचे करवानी पड़ेगी, पतले वाली सीट इसके अंदर डलवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर हम बुलेट की बात करें तो इसके अंदर 19 इंच का रियर व्हील आता है, ठीक है, 19 इंच का इसमें पिछला टायर आता है। आप इस टायर को आराम से 18 इंच क्लासिक वाला भी करवा सकते हैं, 17 इंच भी करवा सकते हैं, 16-15 तक भी जा सकता है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम 17 इंचज़ पे लेके जाएं, 17 इंचज़ मिनिमम इसको लेके जाएं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो इसका व्हील साइज़ है आप उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सस्पेंशन। अगर आप इसका जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं, इससे भी आप इसकी 1 इंच के करीब हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं सस्पेंशन से, ठीक है। एक ही इसको टाइट कर देंगे आप तो 1 इंच के करीब इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। अगली चीज़ की बात करें तो हमें हैंडल बार जो है इसको आप डाउन कर सकते हैं। इस हैंडल बार को जैसे मैंने ऊपर है मेरा, तो मेरी हाइट लगभग 6 फुट है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप इसको थोड़ा सा नीचा करवा लेंगे तो आपकी हाइट कम, हाइट में भी आप इसको ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम है तो आप बूट भी पहन सकते हैं, हाई हील्स, मतलब जिनकी हील्स ऊँची होती हैं, नीचे से बूट्स होते हैं ना, उनको पहन के आप बाइक को ड्राइव करें तो आपके पाँव आसानी से लग जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप बुलेट को ड्राइव कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, सॉरी फॉर द साउंड, मैं यहाँ थोड़े रोड के साइड में हूँ। तो 5'7" का बंदा तो कोई भी बुलेट ड्राइव कर सकता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो भी आप बुलेट ले सकते हैं, और 5 फुट से ऊपर अगर आपकी हाइट है तो आप आराम से चला पाएंगे, कोई कहीं समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो होप आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि बुलेट जो है वो कौन बंदा चला सकता है। बुलेट के लिए आपकी हाइट मिनिमम 5 फुट तो होनी चाहिए, उससे अगर आपकी हाइट कम है तो आप ज़रूर कंपनी में जाके कंसीडर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।